धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव आज शांतिपूर्ण मतदान के साथ संपन्न हो गया। इस चुनाव में कुल 64.70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मतदान में सबसे बड़ी सहभागिता मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की रही, जहां के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 66.48% रहा। दूसरे नंबर पर कस्ता विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रहे। यहां के 66.24% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 66% मतदान कर हरगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तीसरे स्थान पर रहे। महोली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता चौथे स्थान पर रहे। महोली विधानसभा क्षेत्र के 63.40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। धौरहरा के नाम से जाने जाने वाले इस लोकसभा क्षेत्र के मतदान में धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सबसे पीछे रहे। उनका मतदान प्रतिशत 61.62% रहा। छिटपुट घटनाओं और कुछ शिकायतों के अलावा कुल मिलाकर ये मतदान शांतिपूर्ण रहा। यहाँ पे एक एम्प्लॉई के खिलाफ शिकायत थी कि वो प्रेरित कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के लिए, तो उनको हटा के हम दूसरा किसी को नियुक्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी घरवाली वोट है नहीं, मेरा वोट है बस। अच्छा, पिछली बार आपका वोट पड़ा था? पिछली बार वोट मेरा नहीं पड़ पाया था। पास आधार कार्ड सब कुछ है, लेकिन हम लोगों का वोट नहीं है। अच्छा, पिछली बार वोट पड़ा था, आपकी वोट नहीं पड़ा है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। पहली बार वोट डाला है और बहुत बढ़िया फील हो रहा है। पांचवें चरण में हुए धौरहरा लोकसभा के चुनाव में कुल मिलाकर स्थितियां बहुत सामान्य रही। कहीं कहीं भीड़ तो कहीं कहीं सन्नाटे, और कहीं कहीं चैन की नींद सोते सिपाही भी दिखाई पड़े। भारत नेपाल सीमा के पास हो रहे इस मतदान को लेकर बॉर्डर पर भी चौकसी रही। इस चुनाव में वृद्ध मतदाताओं तथा विकलांग मतदाताओं की जागरूकता ने स्वस्थ मतदाताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। देर शाम राजापुर मंडी लखीमपुर में मतदान कराकर गाड़ियों के लौटने का सिलसिला शुरू। हाँ भैया बिछाओ। मतदान कराकर लौटी मतदान पार्टियों ने अपनी ईवीएम मशीनों तथा वीवीपैट को संबंधित काउंटरों पर जमा करने का अभियान शुरू किया। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के 8 प्रत्याशियों के भाग का फैसला भी आज इन ईवीएम मशीनों में बंद हो गया। अब 23 मई को इन सब प्रत्याशियों के भाग का फैसला सुनाया जाएगा। संजीव पाहवा, माई लखीमपुर खीरी.com।
दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।